एंटीलिया, इसी घर में मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसी घर के बाहर एक कार में जिलेटिन की 20 छड़े मिली थी। इतनी छड़े जो एक काफिले को उड़ाने के लिए काफी है। मुंबई में ये सब कुछ हुआ। जिस कार में छड़े मिली उस कार के मालिक की फिर लाश मिली, सियासत हुई और फिर जांच एजेंसियां बदली गई। मुंबई से शुरू हुए इस मामले के तार अब दिल्ली से जुड़ते नजर आ रहे हैं, वो भी तिहाड़ से। दरअसल कार में विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ली थी। 27 फरवरी की रात टेलीग्राम के जरिए संदेश गया था और आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन 28 फरवरी को दूसरे चैनल से जैश उल हिंद ने अपनी भूमिका से इनकार किया था। अब जब इसकी जांच की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जैश उल हिंद ने जिस टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल कर जिम्मेदारी ली थी, जिस फोन से टेलीग्राम चैनल को बनाया गया, उसका लोकेशन तिहाड़ जेल मिला है। टेलीग्राम चैनल को 26 फरवरी की दोपहर 3:20 पर क्रिएट किया गया था। 27 फरवरी की रात इसी के जरिए जिम्मेदारी भी ली गई थी। अब इस केस में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे और किसने इसे बनाया और मकसद क्या था। लेकिन ये पता लगाना भी आसान नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बनाने में भी खेल हुआ है। मैसेज देने के लिए टेलीग्राम चैनल टार नेटवर्क के जरिए बनाया गया। इसका इस्तेमाल डार्क वेब के इस्तेमाल के लिए होता है। डार्क वेब इंटरनेट का ही एक हिस्सा है और टार से ही इस्तेमाल होता है। टार नेटवर्क अमूमन प्राइवेट ब्राउज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तिहाड़ में भी इसी को लेकर जांच टीम ने दौरा किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस नंबर से जैश उल हिंद नाम के टेलीग्राम चैनल का लिंक था, उस फोन को तिहाड़ जेल में बंद 3 से 4 कैदी इस्तेमाल कर रहे थे। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर एसयूवी कार में विस्फोटक मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही साथ आज तक की खबर पर बड़ी मोहर लगी है। आज तक ने आप कुछ दिन पहले ये बताया था कि जैश उल नाम का एक संगठन, जिसने टेलीग्राम पर क्लेम किया है कि उसी संगठन ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एसयूवी कार में विस्फोटक रखा था। अब जब जांच एजेंसियों ने उस टेलीग्राम चैनल के तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि उस टेलीग्राम चैनल को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से क्रिएट किया गया था। 26 तारीख को ये टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया था, जिसमें बकायदा मैसेज छोड़ा गया था कि रोक सको तो रोक लो, धमकी भरा वो मैसेज था। साथ ही साथ ये भी क्लेम किया गया था कि इसी संगठन ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार छोड़ी थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार मामले की, खासकर जैश उल हिंद नाम का जो टेलीग्राम चैनल था, उसकी जांच कर रही थी। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई, जिसकी लोकेशन दिल्ली के तिहाड़ जेल आई। सूत्रों का कहना है कि 3 से 4 लोग जो तिहाड़ जेल में बंद है वो फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर है। फिलहाल मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए कर रही है और कड़ी से कड़ी मिलाकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे है कौन, मकसद क्या था। इसके अलावा सचिन वजह की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। न्यूज़ तक ब्यूरो।